वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ टिकटॉकर्स की तरफ से, यानी कि टीम 07 और दूसरी क्रिएटर्स। तो अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, क्योंकि वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन देख लेते एक छोटा सा प्रोमो। नॉक्स क्लीनर ऐप, जिसके जरिए आप लोग अपने फोन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। प्ले स्टोर से अभी इस ऐप को डाउनलोड करें। ये आपके फोन को स्कैन करेगा और अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करेगा। साथ ही साथ इस ऐप में आप लोग को एंटीवायरस का भी सपोर्ट मिलता है, जिसके जरिए आप लोग का फोन सिक्योर रहेगा। इसका बेस्ट फीचर ये है कि ये फोन की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर देता है एंड ये बैकग्राउंड अनयूज ऐप को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी लाइफ इंप्रूव होती है। तो देर किस बात की, इस ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलेगा, इस वीडियो तो शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कह दूं कि आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। मतलब फैसो 07, हस्तेन 07 की तरफ से काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। और हाँ, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स एंड मैसेजेस करके बोल रहे हैं कि भाई आप एस ऑफ स्पेस 2 का एपिसोड अपलोड करो, जिसमें टीम 07 आई थी। तो मेरे पास वो एपिसोड है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं कल के दिन वो पूरा एपिसोड अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर। आप लोग चाहते हैं नहीं कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं सबसे पहली स्टोरी की तरफ, जो कि आ रही है फैसो 07 एंड हसनैन 07 की तरफ से। तो यहाँ पर अश्नूर कौर का न्यू सॉन्ग आ गया है, जिसका नाम है स्वैग सलामत। तो उससे रिलेटेड फैसो 07 एंड हसनैन ने कुछ बातें कही है, आइए देखते हैं। वो तो बहुत ज्यादा खुश दिख रही है, और जो हिसाब से उसने ऐसा डांस किया ना, मतलब डांस प्लस उसका एक्सप्रेशन दोनों सूट कर रहा है, और मतलब धमाका हो जाएगा। कल तो सॉन्ग आने वाला है और एकदम पावरफुल और एकदम एनर्जेटिक सॉन्ग है, तो ये वायरल तो है पक्का, तो इंशाल्लाह नंबर 1 ट्रेंडिंग तो जाएगा। इतना शॉकिंग था कि मुझे लगा ही नहीं था कि अश्नूर इतना अच्छा डांस कर पाएगी, और बहुत अच्छा डांस करी है एक दिन में, और बहुत अच्छा सॉन्ग है, एनर्जेटिक है, और आप लोग बहुत पसंद करोगे, इंशाल्लाह नंबर 1 ट्रेंडिंग मारेगा। और मेरी गलती तो आ रहा है, आप लोग बहुत जल्दी देखेंगे। हाँ, लेट हो गए थोड़ा, दुबई में तो आ जाए हम लोग, तो अब तो धमाके पे धमाका आप लोग को मिलता ही रहेगा। 30 मिलियन हो गया है। दुबई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक दुबई में किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है सॉन्ग को लेके, और जो कि हम लोग ने किए, और हम लोग ऑन एयर भी गए थे रेडियो मिर्ची स्टेशन की तरफ से, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया, बहुत जल्दी 30 मिलियन हो गया है, और इंशाल्लाह हमारे आगे भी सॉन्ग अच्छे नंबर 1 ट्रेंडिंग जाएंगे, और अच्छा रिस्पांस आया कमेंट में भी हमको। टिकटॉक भी देख रहे हैं हम, बहुत सारे लोग टिकटॉक बना रहे हैं उस पर, और इतना मतलब अलग अलग कंटेंट में बना रहे हैं, इतने कंटेंट और इतने अच्छे अच्छे बना रहे हैं कि मतलब मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं सबकी स्टोरी डाल रहा हूँ, रिपोस्ट करते रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, और उसको हम लोग बहुत याद भी कर रहे थे, और उसने सोचा भी नहीं था कि हम लोग अचानक से अंदर उसको आके सरप्राइज देंगे, और उसको पता नहीं था उसका भाई था, उसके भाई, उसको लगा कि उसका भाई, और अंदर के लोगों को भी हम लोग ने बहुत डराया, उनको लगा कि हम उनको चैलेंज करने आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बस हमारा टास्क था। नहीं, मैंने तो आगे का कुछ देखा नहीं, क्योंकि मैं वो नहीं, क्या बोलते हैं, मैं बराबर से एक्टिव नहीं हूँ एस ऑफ स्पेस को, एस ऑफ स्पेस हम लोग दुबई में, तो हम लोग दुबई में भी तो और शूट वगैरह था। बाकी जहाँ तक का मेरे को लगता है कि मुझे तो नहीं लगता है अदनान का कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि मैंने सुना भी नहीं इस बारे में, और मेरे को प्रॉपर डिटेल भी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है ऐसा। अदनान जीत के बाहर आएगा, हमारी विशेष है कि अदनान जीत के बाहर आएगा, उसे ना कि बूट हैंग हो जाएगा, इतने वोट आएंगे उसे, ये तो है बूट ऐप हैंग हो जाएगा। यो वेलकम। पूरा तोड़ दिया, तोड़ तोड़ के चूर चूर हो गया। अभी मुझे ऐसे वो दिख रहे हैं, टुकड़े दिख रहे हैं डांस फ्लोर पे। मुझे बहुत, मतलब मुझे उसको देख के इतना अच्छा लगता है, मुझे इतनी प्यारी लगती है वो मेरे से छोटी है, मेरी छोटी बहन जैसी है, जबकि वो मुझे बेबी गर्ल बोलती है, बट आई लव हर एंड उसने इतना अच्छे से किया है, और गाना भी इतना अच्छा है कि मुझे तो, मतलब मैं उसकी गोद में बैठी हुई थी और मैं भी कर रही थी। तो देख लिया आप लोग ने वीडियो, अभी तो और न्यूज़ आने वाली है फैसो, हसनैन, अदनान, जन्नत जुबैर की तरफ से, लेकिन फिलहाल हम लोग चलते हैं अरिशफा खान की तरफ। तो यहाँ पर उसका इंस्टाग्राम ऑन नहीं हो रहा था,
आइए हो पहले तो स्टोरी देखते हैं। सो हम पहली बार स्टोरी ले रहे हैं मेरे नए फोन से, क्योंकि मेरा इंस्टा ऑन नहीं हो रहा था, बट हो गया। थैंक यू अर्शद भाई, अर्शद भाई ने मेरा इंस्टा ऑन करके दिया। थैंक यू, ये पहला स्टोरी है मेरा आईफोन 11 प्रो मैक्स का। नहीं मतलब चल क्या रहा है, कभी फेसबुक हैक हो जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम ऑन नहीं होता। कहा था आईडी मुझे दे दे, संभाल लेता। अगली शुरुआती है अदनान 07 की तरफ से। तो यहाँ पर लॉस्ट बॉय जर्नी यानी के विकास गुप्ता सर, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अदनान के साथ एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया है, आइए देखते हैं। तू कभी उदास नहीं होता क्या? नहीं भाई। क्यों? कोई मनाने वाला है ही नहीं। रोज की तरफ बाप मनाता है तुझे। अगली शुरुआती है ऑनिक की तरफ से। तो ये गई देहरादून। जी हाँ, फोटो अपलोड की है, ऊपर लोकेशन भी आप लोग देख सकते हैं, और एक स्टोरी भी अपलोड की है जब वो मुंबई से जा रही थी। एंड चलिए गाइस, अब हम लोग चलते हैं 507 एंड जन्नत जुबैर की तरफ। तो यहाँ पर ये लोग गए थे दुबई, मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो वहाँ की कुछ बातें वो लोग ने शेयर किए हैं, साथ ही साथ फ्रूटी लग दिए सॉन्ग से रिलेटेड भी कुछ कहा है फैजू ने, आइए वो वीडियो देखते हैं। और बाकी कुछ जो एक्सप्लोर किया हो आपने, स्पेशली आपको अच्छा लगा दोनों को? एक्सप्लोर किया हो तो नहीं, तुमने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर आबू धाबी गए रेडियो पे लाइव जाने के लिए। तो हाँ, हम लोग सिर्फ दुबई नहीं गए, दुबई भी गए और आबू धाबी भी गए। तो हमने देखो कितनी जगह प्रमोट किया है। मैं तो बहुत मतलब फ्रूटी, हाँ तो मैं वहाँ रुक गया था, मैं कुछ 8 दिन के लिए रुका था दुबई में, और अच्छे से घूम के आया क्योंकि मेरा अब तक का सबसे बड़ा ट्रिप था। मैं कहीं पे भी जाता तो 2-4 दिन में वापस जाता, मगर इस बार मैं अच्छे से घूमा हूँ और फ्रूटी सॉन्ग भी प्रमोट किया हूँ। हर जगह जा रहा हूँ, जहाँ भी क्लब में जा रहा हूँ वहाँ पर भी फ्रूटी सॉन्ग टिकटॉक बना रहा हूँ लोगों के साथ, अच्छे से प्रमोट किया मैंने। लास्टली अगर दुबई की से लाने की बात की जाए तो क्या लाया है आप दोनों, कुछ खरीदा आपने? हाँ मैंने लाया हूँ, मैंने 2 iPhone 11 लाया हूँ, लैपटॉप लाया हूँ। आप दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है, तो कोई और ऐसी चीज है जो अभी शायद अपकमिंग प्रोजेक्ट में आ सकती है और देख सकते हैं? इंशाल्लाह आएगा जल्दी। ओके, लास्टली आप दोनों साथ में व्यूअर्स को क्या कहेंगे? फ्रूटी सॉन्ग को और ज्यादा प्रमोट कीजिए, और ज्यादा प्यार दीजिए, और बहुत सारा टिकटॉक बनाइए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि 30 मिलियन बहुत जल्दी हो गया है, और कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है कमेंट पढ़ने में। बस इसी सब। अभी तो फैसू से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आने में है, फिलहाल हम लोग चलते हैं सोहेल एंड आदिल खान की तरफ। तो ये दोनों मिले नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। जी हाँ, वो लोग ने फोटो अपलोड किए हैं, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगली शुरुआत है भामी एंड समीक्षा की तरफ से। अगर आप लोग इन दोनों के बहुत बड़े फैन हैं और अगर आप लोग को इनसे मिलना है तो मस्त आपको चांस मिल रहा है। जी हाँ, वो लोग ने स्टोरीज में कुछ बातें कही है, आइए देखते हैं। इस दिवाली आपने बहुत सारे धमाके तो किए ही होंगे, ऊपर से थैंक यू सो मच, आपने हमारे गाने रांझण में कोई बहुत बड़ा धमाका बना दिया। एक धमाका हमारे तरफ से भी आप लोगों के लिए। क्या धमाका है? धमाका है कि आपको मिल सकता है हमसे मिलने का मौका, और सिर्फ मिलने का नहीं, कैंडल लाइट डिनर करने का मौका। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको बस वीडियोस बनानी है हमारे सॉन्ग रांझण में पे, और यूज करना है हैशटैग रांझण में, और 15 दिन बाद यानी कि 15 नवंबर को हम 5 विनर्स अनाउंस करेंगे। यानी कि आप कितने वीडियोस बनाओ, जिस यूजर को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे इन टोटल सारे वीडियोस को मिलाकर, उनको मौका मिलेगा हमारे साथ कैंडललाइट डिनर करने का। अरे 5 मिलियन तो आराम से मिलेगा, और हमें नहीं, पूर्वा मंत्री को भी मिलने का मौका, मुझे भी मिलना है यहाँ इन सब के सारे फैन से। प्लीज प्लीज, आई एम डाइंग टू मीट यू गाइस, जल्दी बनाओ यार। तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, और हैशटैग रांझण में यूज करना ना। बाय, वेटिंग। एंड चलिए वापस से चलते हैं अब हम लोग 507 की तरफ। तो यहाँ पर उनको नॉमिनेट किया गया है मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया स्टार में। जी हाँ, तो अगर आप लोग उनको वोट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे जन्नत जुबैर से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बताया था। हेलो एवरीवन, फैसू हियर, और मैं नॉमिनेटेड हूँ हेलो प्रेजेंट MTV IWM बस डिजिटल अवार्ड में इन द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया कैटेगरी। सो गाइस, स्वाइप अप कीजिए, मुझे वोट कीजिए और मुझे जिताइए। साथ ही साथ यहाँ पर टीम 07 आ रही है अहमदाबाद में। जी हाँ, ज्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं, कांटेक्ट करो, रजिस्टर करो, यही मौका है, आप लोग मिल सकते हैं। वैसे गाइस, अभी जो इम्पोर्टेंट न्यूज आने वाली है फैसू से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग चलते हैं आशिका भाटिया की तरफ। लगता है आशिका एंड वरुण सूद के बीच में कुछ तो गड़बड़ चालू है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आशिका ने ये पोस्ट करते हुए कहा, व्हेन सम इन्फ्लुएंसर्स एंड देयर सो कॉल्ड सिस्टर कांट इंक्रीज देयर फैन बेस
so they try to create controversies. Haha, sorry not even tagging you cause you don't deserve it. तो लगता है आशिका भाटिया ने इसीलिए पोस्ट किया क्योंकि यहाँ पर वरुण सूद ने उसको टैग करते हुए एक स्टोरी अपलोड की थी. हे आशिका भाटिया, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट पॉपुलरिटी, सम थिंग्स आर अबाउट द प्लेनेट एंड जस्ट बींग केयरफुल अबाउट थिंग्स. होप यू गेट आउट ऑफ दिस शेल ऑफ पॉपुलरिटी एंड फेम एंड राइज अबाउट इट. एंड नीचे भी लिखा है, हे डोंट वॉन्ट योर पॉपुलरिटी, साइनिंग मोर ब्रांड्स देन यू, डूइंग मोर शोज देन यू, सो लेट्स नॉट गेट इन टू इट. This was purely about not being smart about certain things. तो उस पर रिप्लाई करते हुए आशिका ने कहा, At least I don't compromise with producers to get work, so I am happy wherever I am right now. How respectful of you to talk like this. तो भाई इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, इससे रिलेटेड आप लोग का क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताना, और आप किसकी साइड ले गए. एंड लास्ट स्टोरी फैसू की तरफ से. यहाँ पर एक किसी ने वीडियो अपलोड किया था टिकटॉक पे, काफी वायरल हो रहा है, जिसमें फैसू ने फिर से कहा उनकी टिकटॉक आईडी जल्दी आ जाएगी. अभी तक कोई भी न्यूज मेरे पास ऐसी नहीं आई कि उनकी टिकटॉक आईडी आने वाली है, लेकिन कब आएंगी यार. एनीवे जो भी हो, आइए वो वीडियो देखते हैं. चलिए बात कर लेते हैं अचीवमेंट से रिलेटेड. तो यहाँ पर अनुष्का सेन का जो गल करके सॉन्ग है, उसका जो हैशटैग है, वो लाइकी ऐप पे 300 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया. हसन 07 का मेरी गलती टीजर, उसने 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया. सुरभि के हो गए हैं 2 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पे. डॉन सिनेमा ऐप को 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया. और लकी डांसर की स्नैपचैट आईडी ये रही. तो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है. वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए, ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी सारी अपडेट देते रहता हूँ. नॉक्स क्लीनर ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले जाके आप लोग डाउनलोड कर लो. और जो 307 का एपिसोड है एस ऑफ स्पेस 2 का, आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर अपलोड करूं, तो प्लीज से कमेंट सेक्शन में ऐसा ठोक दो. ठीक है, लाइक बटन को तोड़ो और कमेंट में ठोक दो. मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.